माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः सभी अधिकारियों को, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, जो हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करने का पुनः निर्देश यह दिया है कि किसी भी रूप में कहीं बॉर्डर पर, किसी जनपद में, किसी सड़क पर या हाईवे पर लोग पैदल ना चलें। उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि अन्य प्रदेशों में जो हमारे प्रदेश के रहने वाले श्रमिक व कामगार हैं वो पैदल किसी सूरत में ना चलें। हर हालत में जो है प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, रेलवे मंत्रालय के माध्यम से, अन्य प्रदेशों के माध्यम से सबका सहयोग लेकर जो है रेल की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था कर रही है। तो ऐसे में किसी को भी पैदल ना चलना पड़े, ये उनका निर्देश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहीं भी व्यक्ति अगर पैदल चलते मिले तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था तुरंत की जाए। ऐसा काफ़ी संख्या में पैदल चलने वालों के प्रति जो है उनका भाव देखते हुए कार्रवाई की गई है और बहुत सारे जनपदों में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी लोग पैदल आ रहे हैं या विशेष रूप से बॉर्डर के जनपद में जैसे झांसी, महोबा, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, इन सभी जनपदों में यह व्यवस्था की गई है यदि कोई पैदल आता है तो उसको जरूर बस में बैठाकर उसका नाम पता लेकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सूचना भेजते हुए उनको सकुशल भेजा जाए, भोजन पानी कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए आज औद्योगिक विकास विभाग को ये निर्देश दिया कि वो बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल नीति को तुरंत अब ले आएँ, अब उसमें और तेजी लाने का निर्देश उन्होंने दिया है और बहुत ही जल्दी औद्योग विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उद्योग के, उनके लिए सेक्टोरल नीतियां भी बहुत जल्दी ही निर्णय के स्तर पर आकर जो है उन पर कैबिनेट का निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बहुत बड़ा जो है, प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग है और इस भूभाग में जो है बहुत सारा लैंड बैंक है जो सरकारी ज़मीन का है, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, सिंचाई विभाग की हो, चाहे वो उद्योग विभाग की हो, पुराने स्थान हो, चाहे वो किन्हीं भी विभागों की जो है ज़मीन अगर है तो इन सब जो भूमि है इनका चिन्हांकन करके, इनको पूरा सुरक्षित करते हुए, इनको लैंड बैंक के रूप में परिवर्तित करते हुए उद्योग लगाने की व्यवस्था इनमें की जाए। इस लैंड बैंक की कार्य योजना बनाने का आज निर्देश उन्होंने IIDC महोदय को दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो अन्य प्रदेशों को के लोग यहाँ हमारे प्रदेश में हैं उनको अन्य प्रदेश भेजने का भी आज निर्देश दिया है। लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर अप्लाई किया है और हम अन्य प्रदेशों से बात कर रहे हैं। यदि अन्य प्रदेश तैयार हो जाएंगे, हमारे बॉर्डर के प्रदेश तैयार हो जाएंगे तो उनके सभी प्रदेशों के जाने वाले व्यक्तियों को ई पास की व्यवस्था जो है जो जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करते हैं, सब कुछ